स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। तो मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि हम आइसलैंड जा रहे हैं, क्योंकि पेरिस तो मैं ऐसे ही आ गया था, कुछ ऐसा खास मन नहीं था। और इस बार मेरे साथ शेंगन वीज़ा वालों ने, मतलब फ्रांस से मैंने अप्लाई करा था, उन्होंने एक तरह से स्कैम सा ही कर दिया था भाई मेरे साथ। मेरे को बड़ा बुरा सा लगा था, तो उसकी बात मैंने छोटे वाले चैनल पर करी है, वो आप जाके देख सकते हो अगर मन है तो। तो भाई संटी भाई मेरे साथ अभी नहीं है, पर वो आइसलैंड में मिलेंगे, क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी वाया लंदन होके, तो वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, मतलब जल्दी थी उनकी फ़्लाइट तो एयरपोर्ट जल्दी चले गए थे सुबह। मेरी फ़्लाइट थी भाई थोड़ी लेट, क्योंकि उनकी वाया लंदन है, मेरी डायरेक्ट है। अब एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर, अगर आपका सिंगल एंट्री वीज़ा है तो आप शेंगन एरिया एग्जिट करके दोबारा एंट्री नहीं कर सकते। तो मैं लंदन चला जाता तो फिर मेरे को शेंगन एरिया छोड़ना पड़ता और फिर दोबारा से एंट्री आइसलैंड में करनी पड़ती, जो कि मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मेरे को शेंगन टू शेंगन डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी पड़ी। ये आ गया अपना मेट्रो स्टेशन। तो अभी 11:30 सुबह की फ़्लाइट है, एक एयरलाइन है फ्लाई प्ले करके उससे, और संटी भाई की जो एयरलाइन है वो इजीजेट है, तो उनकी 10 बजे फ़्लाइट है। पहले लंदन जाएगी, लंदन में 3-4 घंटे रुकेंगे और फिर आइसलैंड पहुँचेंगे। मतलब मैं पहुँच जाऊँगा 2:30 बजे, संटी भाई पहुँचेंगे शाम को 5 बजे। मतलब वैसे जल्दी जाके भी वैसे लेट यही होता है कि मतलब अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लेते हो तो। अब पिछले वाला एयरपोर्ट आपको याद होगा, वो पेरिस से लगभग 100 किलोमीटर दूर था, बूवेस एयरपोर्ट। तो बूवेस एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट नहीं है इस बार। इस बार पेरिस के सबसे ज़्यादा मेन एयरपोर्ट से फ़्लाइट है, चार्ल्स डे गोल या फिर CDG। आ गए भाई अपनी पहली मेट्रो, 3 मेट्रो मतलब मैं बैठ के जाना है मेरे को, 2 मेट्रो और शायद एक शायद हाई स्पीड ट्रेन है। तो चलो चलते हैं। लो भाई पहली में अब चलती हुए दरवाजे खुल जाते हैं भाई पेरिस के मेट्रो के। पहले पे उतर गए, दूसरे 5 नंबर लाइन पे जाना है अब। दूसरी मेट्रो से बस एक स्टेशन आए भाई, उतर गए। अब हमको किसी मेट्रो में नहीं जाना, हमको जाने RER B, CDG ओनली लिखा है ना, तो पेरिस जाती है यहाँ से। ये BRER पता नहीं कौन सी होगी, अब देखते हैं। ये तो काफ़ी बड़ा सा स्टेशन आ गया भाई, RER B इस तरफ है, पता नहीं क्या है अभी RER अपने इस मेट्रो से चलेगी इस कार्ड से या नहीं, देखते हैं। चलो देखते हैं एयरपोर्ट जाने वाली मेट्रो इससे चलती है या नहीं। ओ भाई चल गई, ये आ गई भाई एयरपोर्ट जाने वाली मेट्रो, CDG 43 से जानी है भाई। ये तो नॉर्मल मेट्रो जैसी ही है जो शायद एयरपोर्ट जाएगी। चलो भाई चढ़ो। लो भाई पहुंच गए चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट, टर्मिनल 1 एंड 3। भाई यहाँ एयरपोर्ट वाले स्टेशन पे उतर गया, पर यहाँ पे लिखा है कि ये जो टी वाली टिकट है ना पेरिस वाली, ये वैलिड नहीं है, मतलब मेरा ये वाला कार्ड चलेगा नहीं, तो अब यहाँ बात करनी पड़ेगी भाई। सही बकवास है यार इनकी, मैंने वीडियो में दिखाया ना, मैं इसी टिकट से एंटर किया यार, मैं इस टिकट से एंटर करा, एंट्री मत दो ना फिर, इस टिकट से मैं एंटर कैसे कर रहा हूँ, क्या बकवास है ये यार। एंट्री अब कह रहे हैं, मैंने कहा अब क्या करूँ मैं, तो कहते हैं मेरे को नहीं पता क्या करोगे, वापस जाओ। अरे यार भाई अलग ही मतलब ड्रामा है, मैं इस टिकट से एंटर कर गया तो इसी टिकट से एग्जिट भी करने दो ना, या फिर तुम देखो क्या करना है, मेरे को क्या पता भाई। इतना बड़ा ड्रामा है ना, पता नहीं इतना बड़ा ड्रामा फेल दिया कि भाई तुम एग्जिट ही नहीं कर सकते। अबे पहुंच कैसे गया मैं स्टेशन पे, अगर एग्जिट नहीं कर सकता तो एंट्री कैसे होगी मेरी, वीडियो में दिखाया मैंने एंट्री होने लग रही है, पता नहीं क्या है भाई। अभी एक बंदा मिला है नीली में, ये SNCF के बंदे हैं, मैंने कहा भाई मैं इससे एग्जिट नहीं कर पा रहा, बता भाई क्या करूँ, कह रहा है आपको बाहर जाके टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई खरीद लेता हूँ, बता तू कैसे जाना है, वरना तो मैं किसी के पीछे ही निकल जाता, मैं सच बता रहा हूँ, इतना गुस्सा आ रखा है मेरे को भाई। यहाँ पे तो इनके ऑफिशियल बंदे मेरे को पता है क्या क्या बोल के गए हैं, कि आप किसी के साथ निकल जाओ भाई सीधा ही, कि आप किसी के साथ निकल जाओ। सही चल रहा है भाई यहाँ पे तो, भाई कैसा स्टाफ है यार यहाँ का, जैसे दिल्ली मेट्रो में होता है भाई, अगर आप 4 स्टेशन एक्स्ट्रा चले जाओ, 5 स्टेशन एक्स्ट्रा चले जाओ तो टिकट बना देते हैं यार। आ गया होगा कोई बंदा गलती से एक्स्ट्रा, या फिर उसको नहीं पता होगा, या तो आने ही कैसे दे रहे हो तुम, बिल्कुल ही बंद कर दो। मैं तो निकल आया किसी के पीछे पीछे, दरवाजा बंद हुआ मैंने खोल दिया हाथ से, मैंने कहा हटाओ, बहुत शरीफी दिखा ली यार,
सराफत से कोई पूछ रहा है कि मैं टिकट के पैसे देना चाहता हूँ, उनकी तो मतलब बिल्कुल ही इज्जत ही नहीं कर रहे ना। अगर कुछ सराफत से पूछ रहा है कि भाई मेरे को टिकट के पैसे देने हैं, क्या मैं दे सकता हूँ, नहीं अब तो आप वापस जाओ। मैंने कहा अच्छा, अभी मतलब गुंडागर्दी दिखाई नहीं है तो तुम बन लो हमारे सामने गुंडे हैं, बहुत दिमाग ख़राब हुआ यार। वो तो अच्छा है कि मेरा भाई क्या कहते हैं, मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैं आराम से खड़ा रहा वहाँ पे, वेट करा मैंने किसी के निकलने का और मैं आ गया। चलो टर्मिनल 3 इस तरफ है, ओके भाई ये देखो टर्मिनल 3 की एंट्रेंस कैसी है। ऊपर हाईवे चलने लग रहा है और इस गुफा सी में से जाना पड़ेगा हमको टर्मिनल 3 के लिए। भाई ये रही हमारी सबसे ऊपर एयरलाइन रेकाविक कैफालिक, मतलब ये रेकाविक आइसलैंड कैपिटल, फ्लाई प्ले एयरलाइन का नाम है। 37 से 39 चलो। लो भाई ये मेरे पीछे था फ्लाई प्ले का काउंटर, बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई एक जना नहीं बैठा था, क्योंकि 40 मिनट बचे हैं काउंटर बंद ही हो जाएगा, मेट्रो वालों ने फूंक दिया मेरे 20 मिनट। चलो संटी भाई की फ़्लाइट 15 मिनट में डिपार्ट होने वाली है हमारी, लगभग 1.5 घंटे बाद। भाई इस तरफ टर्मिनल डोमेस्टिक वाले में पूरी एक ही दुकान है बस खाने पीने की, वहाँ से मैंने टूना सैंडविच ले लिया, चिकन ढूंढ रहा था मैं, मछली वाला इतना मतलब मैकडी का ही सही लगता मेरे को, चिकन था ही नहीं इनके पास, फिर वो पोर्क था या फिर बीफ था, तो मैंने कहा नहीं यही ले लेते हैं। इतना सा एयरपोर्ट है बस देख लो, मतलब टर्मिनल इस पेरिस के CDG एयरपोर्ट पे ना टर्मिनल 2 ABCDEFG तक है, फिर टर्मिनल 1 है, फिर टर्मिनल 3 है, ये टर्मिनल 3 है। मेरे को लग रहा है सारी यूरोप की फ़्लाइट जाती है यहाँ से, ताकि यहाँ पे इमिग्रेशन वाले ना बिठाने पड़े। चलो भाई चलने का टाइम हो गया हमारा, आखिरी में बोर्ड करेंगे हम। ये रहा अपना बोर्डिंग पास, पेरिस से रेकाविक कैफलाविक एयरपोर्ट नाम है, इंडियन पासपोर्ट, चलते हैं। चलो भाई बोर्डिंग कर ली, बस में आ चुके हैं। ये है भाई अपनी एयरलाइन प्ले एयरलाइन, ये आइसलैंड की एयरलाइन है, तो आइसलैंड से जाती है, आइसलैंड पे आती है। चलो भाई आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे अब बर्फ़ गिरने लग रही है, मतलब वैसी वाली बर्फ़ है, ये कई तरह से गिरती है यार बर्फ़, देखो ये मतलब आराम आराम से नहीं गिर रही है, बहुत देखो दिखिए आपको, तो मतलब बारिश की तरह गिर रही है पर ये पिघल नहीं रही है, क्योंकि अभी बाहर हो रहा है -3। देखो बर्फ़ आइसलैंड में क्या मस्त स्वागत हुआ ना बर्फ़ के साथ। पहुँच गए भाई, बस उतरेंगे अब थोड़ी देर में। हेलो भाई, प्लेन से उतर गए आइसलैंड की धरती पे। भाई कहते हैं कि आइसलैंड की जो लैंग्वेज है ना वो काफ़ी डिफिकल्ट है, उतरते मैंने देखा टॉयलेट्स, और टॉयलेट्स को इनकी लैंग्वेज में कहते हैं आइसलैंडिक लैंग्वेज में सिनरिन टिंगार। ये भाई एयरपोर्ट है कैफलाविक का। तो भाई स्वागत है अपना कंट्री नंबर 118 में, और अभी हम हैं आइसलैंड कैपिटल से 50 किलोमीटर लगभग दूर कैफलाविक टाउन में, जहाँ पे रेकयाविक एयरपोर्ट बना हुआ है। अब मेरे को यहाँ पे वेट करना है लगभग 3-3.5 घंटे, क्योंकि संटी भाई की फ़्लाइट 3-3.5 घंटे बाद आएगी, क्योंकि उनका लंदन में कनेक्शन था ना, तो कनेक्शन होते ही मतलब लेट हो जाती है फ़्लाइट, 1.5 घंटा पहले थी उनकी मेरे से फ़्लाइट, पर मेरे से अभी भी 3-3.5 घंटे बाद में पहुँचेंगे। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं होना इमिग्रेशन वगैरह, क्योंकि शेंगन टू शेंगन आया हूँ तो डोमेस्टिक मानते हैं, डोमेस्टिक में सिर्फ बैगेज क्लेम करके अपना बैठो आराम से। ऐसा फील आ रहा है मैं दोबारा से अलास्का में आ गया हूँ। यहाँ पे करेंसी भी चेंज हो गई है भाई, यहाँ पे करेंसी यूरो नहीं चलती, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन में है वो यूरो यूज़ करती हैं, पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो भाई कहती हैं हमको यूरो यूज़ नहीं करना, हमको अपनी करनी है। उनमें से एक आइसलैंड है जहाँ चलता है आइसलैंडिक क्रोना, जैसे स्वीडिश क्रोना है, नॉर्वेजियन क्रोना है, डेनिश क्रोना है, तो आइसलैंड भी उनमें से है जो कि चलाती है। यूक्रेन वालों के लिख रखा है कुछ,
आइसलैंडिक कोरोना। इनके एयरपोर्ट ऐसे बने हुए हैं जैसे अमेरिका के बने हुए हैं कि मतलब मैं जैसे उतरा ना, यहीं से लोग डिपार्ट भी कर रहे हैं, यहीं पे पासपोर्ट कंट्रोल भी था। अब मैं बाहर निकल जाऊंगा और देखो वो लिखा गया एग्जिट टू आइसलैंड, और जिनको फ्लाइट लेनी है वो आने लग रहे हैं मेरे सामने से। भाई ये वाली कंपनी है बहुत महंगी कपड़ों की, यहाँ पे 66 डिग्रीज नॉर्थ, मतलब जहाँ से आर्कटिक सर्कल लग जाता है, तो इसके कपड़े नहीं भाई, हम तो इसी जैकेट से काम चला लेंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है यूएसए का एयरपोर्ट है ये, अलास्का वाला। भाई ये आ गया मैं कस्टम से बाहर, ही अराइवल्स हॉल है और यहाँ पे इतनी सारी कंपनियाँ कार रेंटल के लिए खड़ी हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कार रेंट करते हैं। अच्छा यहीं से डिपार्चर आ गया, टैक्स रिफंड करा रहे हैं लोग, चलो बैठते हैं कहीं पे। तो भाई ये है एयरपोर्ट मेरे पीछे, आपको ऐसा लगेगा कि इससे बड़े अमेरिका में वॉलमार्ट के स्टोर्स होते हैं, तो इतना सा एयरपोर्ट है ये। वो एक प्लेन लैंड होने लग रहा है, आपको दिखेगा कहाँ गया ये रहा। तो संटी भाई जस्ट लैंड हो चुके हैं, प्लेन से उतरना शुरू हो चुके हैं, मतलब बाहर आने में मैक्सिमम उनका बैगेज भी नहीं है तो मैक्सिमम 10 ही मिनट लगने हैं उनको। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई फ्लाई बस की एक कंपनी है और ये आपको सिटी सेंटर ले जाएगी। और अब आपको मैं बताता हूँ कि आइसलैंड कितना महंगा है, ये तो खैर हमको भी जाके पता चलेगा कितना क्या महंगा है। ठंड हो रही है कुछ, -4-5 degrees हो रखा है अभी, तो इतना महंगा है कि ये जो बस है 50 किलोमीटर लेके जाती है, 50 मिनट में आपको छोड़ देगी बस वहाँ ले जाके सिटी सेंटर। और कितने की टिकट है सोचो, 27 यूरो की भाई, 2400 रुपये की टिकट है इस बस की, जो कि आपको सिटी सेंटर लेके जाएगी। और ये इनका मेन एयरपोर्ट है, पेरिस की तरह बहुत दूर लैंड नहीं हुए, पेरिस की में हम लगभग 100 किलोमीटर दूर लैंड हुए थे और वो बस 18 यूरो की थी, ये सिर्फ 50 किलोमीटर लेके जाएगी 27 यूरो में। और अभी इंडियन रेस्टोरेंट के रेट चेक करें ना, मेरे होश उड़ गए भाई, मैं बता रहा हूँ इतना महंगा मैंने शायद स्विट्जरलैंड में भी नहीं देखा होगा। तो अभी मैंने संटी भाई को कहा है वीडियो बनाते बनाते बाहर आ जाना, अभी रात होने वाली है, उनकी थोड़ी फ्लाइट मतलब ऐसे टाइम पे आएगी रात हो जाएगी, तो मैंने कहा बाहर जाके मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसा क्या आइसलैंड है, यहाँ बर्फ़ के ढेर लगे पड़े हैं। और अभी हाल फिलहाल में आइसलैंड में एक ज्वालामुखी भी फट गया है, पूरे आपके न्यूज़ में आएगा, मैं साइड में भी चला देता हूँ, इंडिया की न्यूज़ में भी आ रखा था, मम्मी भी बोल रही थी कि भाई वहाँ तो ज्वालामुखी फट गया, मैंने कहा पूरे देश में थोड़ी ना फट गया, वो एक ज्वालामुखी फटा है, 2-4 गाँव उससे इफेक्ट हुए हैं, पर ऐसा नहीं कि पूरे देश में फट गया है। और पिछली बार जब फटा था यहाँ पे तो फ्लाइटें पूरे देश की काफ़ी दिनों तक कैंसिल रही थी आइसलैंड आने की, पर इस बार इस एयरलाइन ने पहले ही मेरे को बता दिया था मेल करके कि कोई भी कैंसिलेशन इस बार हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत दूर फटा है यहाँ से, मतलब है तो पास में ही पर एयरपोर्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो एक एक्टिविटी भी बुक कर रखी है हमने, ब्लू लगून करके काफ़ी फेमस जगह है, 18 फरवरी की बुक करी, आज है 14 फरवरी, तो वो अभी शट डाउन हो चुका है 14 फरवरी तक, 15 को रिसेस करेंगे, खोलते हैं नहीं खोलते, क्योंकि पूरा ज्वालामुखी का जो लावा है ना वो रोडों पे है भाई, अभी रोड पे मतलब आके निकल गया लावा, तो वो देखते हैं क्या करता है आइसलैंड अभी इस चीज़ के बारे में। तो अभी करते हैं संटी भाई का वेट, अंदर ही चलता हूँ भाई, यहाँ तो मतलब देखो बच्चे क्या बड़े ही हैं, ये बर्फ़ को देख के खुश हो रखे हैं, बर्फ़ में कूदने लग रहे हैं यार, किसी एंगल से एयरपोर्ट नहीं लग रहा है। खैर ये डोमेस्टिक वाला है, डोमेस्टिक मतलब इन द सेंस कि ये शेंगन एरिया को डोमेस्टिक ही मानते, तो डोमेस्टिक ही मान लो, बिल्कुल छोटा सा एयरपोर्ट है, सही है अपना, यहाँ पे कार रेंटल है। और अभी संटी भाई का 30 बस में बैठ के हम चलेंगे रेकाविक। सुबह से एक वही मैंने क्या कहते हैं छोटा सा एक फिश बर्गर खाया था, अब जाके शायद इंडियन रेस्टोरेंट ही खा लेंगे, चाहे कितना ही महंगा हो यार, एक बार तो खाना बनता ही है, कितने ही पैसे बचा लेंगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कितना ही महंगा हो अपना पेट भरना चाहिए। वो भाई तीन चार प्लेन आने लग रहे हैं एक साथ, वो देखो लाइटें दिख रही हैं आपको, प्लेन की लाइटें हैं वो सारी तीनों चारों। ये है भाई दो काउंटर, एक एयरपोर्ट डायरेक्ट, ये आपको ब्लू लगून ले जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट, पर अभी बंद है शायद, ये अब सिटी लेके जाते होंगे हाँ। और वो है फ्लाई बस, मतलब जब आपकी फ़्लाइट लैंड होगी ना उसके हिसाब से उन्होंने टाइमिंग्स बना रखी हैं कि फ़्लाइट लैंड होगी उसके मतलब आधे पौने घंटे बाद बस चलती है, हर फ्लाइट के आधे पौने घंटे बाद एक बस जाती है। तो अभी संटी भाई आएंगे तो उस वाली बस में चल पड़ेंगे, यहाँ से आएंगे संटी भाई निकल के अभी थोड़ी देर में। और भाई मैंने पहला एयरपोर्ट देखा है आज तक का जहाँ पे एक भी एटीएम नहीं है, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है कि एटीएम है और आइसलैंडिक कोरोना निकालेगा आईएसके, पर वहाँ से एटीएम उखाड़ के फेंक दिया, वहाँ पे कोई एटीएम बचा ही नहीं है अब तो, यहाँ पे सारा कार्ड का ही सिस्टम है भाई, सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है ना जितनी भी नॉर्वे फिनलैंड स्वीडन ये सारे मतलब ज़्यादातर कार्ड प्रेफर करते हैं, कई रेस्टोरेंटों में तो मेरे को बोल और दिया कि भाई कैश तो हम लेंगे ही नहीं कार्ड ही लेके आओ, जैसे इंडिया में होता है ना कि कैश ही लेंगे कार्ड नहीं लेंगे, यहाँ पे उल्टा ही चल रहा है सिस्टम कि कार्ड लेके आओ कैश नहीं लेंगे। चलो भाई ये फ्लाई बस है, अपना बड़े वाला बैग चला गया नीचे,
और अब चलते हैं भाई। यहाँ पे पहुंच गए हम, और कई लोगों ने ऐसा भी कर रखा था, इसकी होटल सिटी सेंटर से दूर है ना, तो छोटी छोटी वैन में ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं उनको, क्योंकि बड़ी वाली बसें मतलब घुस नहीं पाती छोटी गलियों में, तो उसकी टिकट आपको अलग से लेनी पड़ेगी। यहाँ तक की टिकट 27 यूरो की थी, लगभग $30, बहुत महंगी टिकट थी। क्यों भाई, फट गई आइसलैंड आती? भाई मेरे को तो लग रहा है यहाँ से मकान बेच के खाना खाना पड़ेगा। अब हम जा रहे हैं यहाँ से इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि यहाँ से 14 मिनट की वॉकिंग पे है, कोई गांधी इंडियन रेस्टोरेंट करके है, और रेस्टोरेंट भी ऐसा है कि 5 बजे खुलता है शाम को और रात को 10 बजे बंद हो जाता है। और अभी तो प्राइसेस तो भाई वहीं जाके दिखाऊंगा आपको, तभी यकीन होएगा। चलो चलते हैं भाई, आइसलैंड की सड़कों पे चलते हुए देखो साइड में बर्फ पड़ी है, और लगभग अभी आधा डिस्टेंस तय कर चुके रेस्टोरेंट के लिए। तो ये देखो सामने पिज़्ज़ेरिया आ गया, मतलब कि पिज़्ज़ा की दुकान। पर दिन में अगर एक ही बार खाना हो तो इंडियन खाना खाओगे तो पेट भर जाएगा। इनके भी लोकल रेट भी दिखा दूंगा मैं, पर अभी तो इंडियन का। ओ कितनी मोटी बिल्ली, कुत्ता लग रहा था ये तो भाई। ये पहुंच गए हम इंडियन रेस्टोरेंट, इसका नाम है गांधी इंडियन रेस्टोरेंट एंड बार। चलो आ जाओ अंदर चलते हैं और अपने बटुए खाली करते हैं। तो भाई इंडियन रेस्टोरेंट का सपना हमारा गया है टूट, क्योंकि ये ट्रॉम्सो में मेरे साथ हुआ था। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन सब में यही चलता है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, यहाँ पे सब कुछ अपॉइंटमेंट लेके आओ और एक ही दो इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं। सारे गोरे बैठे थे भाई, सारे पूरा रेस्टोरेंट फुल था, कम से कम भाई 50-60 लोगों की सीटिंग थी, सब कुछ फुल। बंदा आया कहता भाई 8:45 तक हमारे पास कोई भी सीट अवेलेबल नहीं, अभी 7:30 हो रहे हैं। तो हमने कहा भाई पैक ही कर दे, कहता नहीं भाई वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑर्डर आ रखे हैं कि पैकिंग भी नहीं हो पाएगी आपकी अभी 1 घंटे तक तो कुछ भी। तो हमने कहा भाई फिर तो कुछ नहीं हो सकता, पास में एक सबवे है वहाँ चलते हैं, सबवे खाते हैं। भाई 2-3 मिनट चलने के बाद हम पहुँच गए हैं सबवे। अब संटी भाई बनवा रहे हैं 12 इंच, जितना आता है मैं आपको रेट बताता हूँ फिर। भाई संटी भाई को कन्वर्जन नहीं पता, कोई सिर्फ $19 का है, $20 का एक सबवे, नहीं दो है, मतलब 6-6 इंच है $20 के। हाँ तो पता जिस तरीके से वहाँ का रेट देखा था, $100 का खाना खाते हैं भाई स्टोर में हम लोग, रेस्टोरेंट में भाई। तो भाई सबवे पे खाना खा लिया, संटी भाई कह रहे $20 का सस्ता है, वो सस्ता नहीं है, वो इंडियन रेस्टोरेंट से कंपेयर करके बता रहे 1700 का एक 12 इंच का सैंडविच, आपको समझ में आ रहा है वो कितना महंगा है। तो अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ, हॉस्टल हमको मिला है भाई 2 बंदों का 3 रातों का $255 में, सोचो हॉस्टल है। और अभी हमको 3 रातों का और बुक कराना है, हम लगभग 1 हफ्ता हैं आइसलैंड में, रेकाविक में ही रहेंगे, यहीं से टूर बुक करते रहेंगे, और काफ़ी सारे टूर बुक कर रखे हमने, आज कल ये करना है, परसों ये करना है, 5-6 टूर बुक कर रखे हैं। तो पूरा आइसलैंड में नहीं घूम पाऊँगा, सिर्फ रेकाविक के आसपास टूर बुक करने जाएंगे हम, तो कभी फ्यूचर में भी आएंगे रेकाविक के आसपास पूरा घूमेंगे। तो चलो बर्फ़ भी थोड़ी थोड़ी गिर रही है, चलते हैं भाई। ये पहुंच गए हमने हॉस्टल में, हॉस्टल का नाम है बैरन्स हॉस्टल, देखते हैं कैसा क्या मिलता है। इससे भी सस्ता एक हॉस्टल था, वो पूरा सोल्ड आउट था, उसमें पता एक डॉर्म में 42 बेड्स थे भाई, 42। हमने कहा हमको इतने पैसे नहीं बचाने, 42 भाई हल्ला गुल्ला कितना होगा सोचो। तो हमने 8 डॉर्म वाला करा लिया, ये दूसरा हॉस्टल है, ये वाला नाम है इसका। चलो भाई संटी भाई, बैरन्स हॉस्टल 9 बजे तक रिसेप्शन खुलता है भाई। हॉस्टल था तो महंगा, पर अभी तो खाली है, 1 और 2 नंबर हमारा, 2 मेरा, संटी भाई को ऊपर सोना पसंद है। तो भाई चद्दर वद्दर देखो है ना, मस्त टॉवल भी दे रखा है, टॉवल दे दिया हाँ, पहला हॉस्टल देखा भाई मैंने, नहीं देते हैं कई जो महंगे होते हैं बेड भी, और यहाँ देखो लॉकर भी दे रखे, इतनी बड़ी बड़ी सेफ्स। वैसे आइसलैंड काफ़ी सेफ कंट्री है, पर हॉस्टल में नहीं पता आपको कौन रुका, वैसे सेफ है कंट्री, हीटर वीटर और कॉफ़ी वगैरह ऊपर पियो जितनी मर्जी। तो पर पड़ा तो बहुत महंगा भाई, $255 3 रातों का 2 जनों के लिए। तो हॉस्टल वाले ही बहुत कमा रहे हैं, मान लो कि हम दोनों को 1 रात का कितने का हो गया, $80, 85, मतलब ये कमरा इन्होंने $500 में चढ़ा रखा है 1 रात के लिए। इधर बेनिफिट ये है, एटलीस्ट खाना बना सकते हैं। मैं पता है अब क्या करूंगा, मतलब जैसे आज अगर मेरे को पता होता तो मैं यहीं आके बना देता फटाफट अपना खाना, अब मैं कल बना दूंगा यहाँ पे पूरे दिन का। ठीक है बना देना, आपको उसके लिए 2 यूरो मिलेंगे। अच्छा वहाँ 100 दो मेरे को 2।
तो भाई आइसलैंड में जो हम करने वाले हैं ना वो बहुत अलग होगा ट्रिप से जो और लोग करते हैं। जनरली लोग आते हैं गाड़ी रेंट लेते हैं चारों तरफ आइसलैंड की, गाड़ी से घूमते हैं अलग अलग जगह रुकते हैं, पर हम नहीं करने वाले हैं। हम 6 की 6 नाइट्स मतलब 7 दिन रेकाविक में रुकेंगे और रेकाविक में इतनी सारी एक्टिविटीज हम करने वाले हैं कि आप देख के हैरान हो जाओगे कि नवांकुर भाई क्या दिखा दिया, ऐसा किसी ने दिखाया होगा। मेरे को भी उम्मीद नहीं है कि हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे, देखते हैं। अब यहाँ पे वॉल्केनो भी फटा हुआ है उसकी वजह से भाई 2-3 चीजें शायद ब्लॉक भी हो जाएं, होप करते हैं बेस्ट। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।